मेरा नाम है राजश्री रानी और सिंदूर की कीमत में मेरा जो किरदार है वो विद्या का है, और विद्या को जानने के लिए, उससे मिलने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं कि मिश्री मेरी बेटी है, और साधारण सी बात है, मैं बहुत सीधी साधी और बहुत ही सरल स्वभाव की हूँ। बाकी जो मैंने बोला कि मुझे जानने और समझने के लिए आपको सिंदूर की कीमत हर दिन देखना पड़ेगा, आप मुझसे डेली मिल सकते हैं। मैम, अपने दूसरे सीजन में और आपके सिंदूर की कीमत में क्या डिफरेंस होने वाला है? इसके पहले मैंने जो भी किरदार निभाया है वो कभी भी ऐसे बहुत चुलबुला और बहुत लाइटली, बहुत लाइट मूड वाले सारे किरदार हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि एक माँ का किरदार है तो बहुत ज़िम्मेदारी के साथ निभाना पड़ेगा, और आगे का सफ़र क्या आने वाला है वो अभी मेरे ख्याल से विद्या भी अनजान है कि आगे क्या कुछ होने वाला है, तो थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ अलग होगा, तो देखते हैं। सिंदूर की कीमत, सिंदूर शब्द सुनते ही जहन में क्या ख्याल आता है? कहीं ना कहीं एक औरत जो है वो नज़र आती, किसी के नाम का पहनती है वो, सिंदूर के रूप में या मंगलसूत्र के रूप में। अब उसकी कीमत लगाना इंसान के बस की चीज़ नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते कि उसकी कीमत क्या हो सकती है। इसका ताना बुना कैसे बुना गया है ये हम देखें सिंदूर की कीमत में। मेरा किरदार जो है वो प्रताप अवस्थी नाम है मेरा इसमें, और ये मातृभक्त होता है। माँ की कही बात इसके लिए पत्थर पे लकीर है। माँ ने अगर कह दिया तो कह दिया। ये मैं अपने डायलॉग्स में कई बार इसको इस्तेमाल भी कर रहा हूँ इस शो में, कि माँ ने अगर कह दिया तो कह दिया। तो माँ और बेटे के बीच की जो भावनाएं हैं, किस तरीके से हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे ये भी एक देखने को मिलेगा। संस्कार हैं हमारे इस, जो हम अपनी तरफ से सारे कलाकार मिलके इसको ये करेंगे। इन शॉर्ट कि जैसा मैंने बोला कि एक औरत जो है वो सिंदूर किसी के नाम का लगाती है, किसी के नाम का मंगलसूत्र पहनती है, पर पुरुषों के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि वो किसी औरत के नाम का कोई लॉकेट पहने या सिंदूर लगाए या बिंदी लगाए। क्यों ऐसा, क्यों ये भेद है? क्या यही कीमत है? दोनों तरफ से है, ये मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। कई बार अहम लेके चलते हैं कि यार हम सर्वोपरि हैं, पर जो सर्वोपरि है वो तो कभी हम उसको सर्वोपरि हमने माना ही नहीं। जो औरत है, हम जैसों को अपने शरीर से जो निकाल दे कितनी महान हो सकती है। शायद इसी से हमको समझ में आ जाना चाहिए, या ये एक संकेत है, पर एक अहम तो लेके बैठे हुए हैं। क्या ये कीमत है? मैंने कहा दोनों तरफ से है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं उनके लिए भी है। तो ऐसे बहुत सारी कीमतों से हम रूबरू होंगे इस कहानी के ज़रिए, एंड आई एम श्योर कि लोगों को बहुत पसंद आएगी ये चीज़। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस तरीके से हम उसको पेश कर पाएँ। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई कैन से। एक्चुअली ये मेरा पहला शो है एज अ लीड। मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, 2012 में मैंने शुरुआत करी थी सावधान इंडिया से, स्क्रैप बॉटम, और फिर उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम लगा
कबूल है वॉज माई फर्स्ट, उसके बाद बेपना किया, बेपना के बाद ये रिश्ता कर रहा था पिछले 3 साल से, एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एज द फर्स्ट शो ऐसे टाइम पे मिलना इज़ शुक्र वेरी वेरी गुड फीलिंग। एंड आपको मैं अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो सीरियल का नाम है सिंदूर की कीमत और मेरा कैरेक्टर है अर्जुन का, और अर्जुन एक लॉयर है, इनफैक्ट ही इज़ द कंट्रीज़ बेस्ट लॉयर, वो अलाहाबाद से है। एंड मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में 3 जनरेशन से सब लॉयर्स हैं। मेरे एक्चुअल फादर, रियल नहीं, रियल फादर, वो एक हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो आई कैन रिलेट अ लॉट विद द कैरेक्टर क्योंकि मैं एक वकीलों की फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। और ही इज़ अ वेरी वेरी ब्रूडिंग, वेरी इंटेंस, वो काफ़ी अपने आप में रहने वाले कैरेक्टर हैं, बट जस्ट लाइक एनी ह्यूमन बींग इन द वर्ल्ड वो काफ़ी ह्यूमन है। उनकी एक बहुत ही स्वीट ह्यूमन साइड है जो आपको काफ़ी टाइम तक देखने के लिए नहीं मिलेगी। बट सिंदूर की कीमत इज़ गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर एंड आई होप ऑल ऑफ यू ट्रूली एंजॉय इट। और ये अर्जुन के बारे में थोड़ा सा स्नीक पीक था, पर आगे मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। जी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो, रमेश बाबू, इफ आई एम करेक्ट। हाँ, जब से साइन किया तब से काफ़ी लोग पूछ रहे सिंदूर की कीमत क्या है, सिंदूर की कीमत क्या है, तो एक ना एक दिन किसी ने अमेजोन पे से निकाल के बता दिया 300 रुपये। बट असली तो हम मजाक कर रहे हैं, बट शो का नाम है सिंदूर की कीमत और वो डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके ऊपर काफ़ी मीम्स बन रहे हैं, काफ़ी रील्स बन रहे हैं, और हम एज अ फैमिली भी काफ़ी प्लेफुल हैं, हम लोग भी बहुत सारे रील्स और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। वी विल बी गिविंग यू अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट वेरी वेरी सून। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से सिंदूर की कीमत क्या है, मैं काफ़ी प्रैक्टिकल आदमी हूँ तो मैं सीधा MRP पे चला जाता हूँ, पर जब मैंने अपने अब्बा को यही सवाल पूछा कि आपके लिए सिंदूर की कीमत क्या है, उन्होंने 30 साल का बिल निकाल के दिया मॉम का, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए भी आगे जाके ऐसा ही कुछ होगा। बट मैं हमेशा लाइट हेडेड रहता हूँ, पर व्हेन इट कम्स टू मैरिज और जेन्युइनली सिंदूर की कीमत क्या है, आई बिलीव इट इज़ समथिंग दैट कीप्स आर कंट्री एंड द मोस्ट लव्ड पीपल टुगेदर। तो सिंदूर की बहुत सारी कीमत हैं, आप एज एन इंसान उसकी कीमत क्या देखते हैं, सब टू यू। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मेरी शुरुआत जो है 4 Lions प्रोडक्शन हाउस के साथ हुई थी, जो मेरा सबसे पहला शो था, विच वाज़ कबूल है Season 2, जहाँ पे मैंने रेहान का किरदार प्ले किया था। और उसके ऑलमोस्ट 8 या 9 साल बाद मैं रीयूनाइट हुआ हूँ गुल मैम के साथ, करिश्मा मैम के साथ, एंड दे आर माई प्रोड्यूसर्स, दे आर द वंस हु बिलीव इन मी, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है जो काफ़ी लोगों ने, मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे मिला है। So I just want to say a big thank you to Dangal TV for giving us and giving me this chance. A big thank you to 4 Lions, Gul ma'am and Karishma Jain ma'am. We are not going to let you guys down. Aur aap log sab as an audience, I assure you, agar aapko is production house aur is channel ke past aur previews ke bare mein pata hai, to main aapko ek baat bata deta hu ki ye show bahut shandar rahega, aapko khoob entertain karega, aur makers, channels, actors, hum sab milke ek बहुत शानदार शो आप सबके लिए लेके आएंगे। कीप वॉचिंग सिंदूर की कीमत 18 अक्टूबर से ऑन दंगल। थैंक यू गाइज, थैंक यू। हाँ, टाइमिंग हम आपको एक बड़े धमाके से बताएंगे, अभी छोटा धमाका ले लीजिए। थैंक यू। इज देयर एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? नो, ऑलराइट, थैंक यू गाइज, थैंक यू। जी, मेरा नाम वैभवी है और मैं मिश्री का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मिश्री एक बहुत ही ज़्यादा बबली लड़की है और एकदम हैप्पी को लकी है, बहुत खुश रहती है, पर एट द सेम टाइम बहुत सैक्रिफाइस भी करती है, और वो स्पेशली बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी है और बहुत ही, मतलब एकदम खुश लड़की है वो। तो मेरा कुछ ऐसा कैरेक्टर है और मैं एनकाउंटर करती हूँ अर्जुन को, तो वो मैं उसे कैसे एनकाउंटर करती हूँ, आगे क्या होता है, ये सब तो आपको देखना पड़ेगा। बट या द स्टोरी इज़ कि लाइक मैं यूपी में रहती हूँ और मेरे बाबा हैं, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है। और व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट आपने मतलब इस कास्ट के लिए क्या मेहनत की और कास्टिंग कैसे हुई आपकी इस रोल के? विशाल जी जो है, तो उन्होंने मुझे पहले भी कास्ट किया था,
जो मैंने हॉलीवुड मूवी की थी ट्रेसेस ऑफ सैंडलवुड नंदिता दास जी के साथ, तो उन्होंने ही मुझे कास्ट किया था और इस बार भी उन्होंने ही मुझे कास्ट किया, उन्होंने मुझे चांस दिया. एंड स्पेशल थैंक्स टू गुल मैम, करिश्मा मैम फॉर दिस, दंगल टीवी आल्सो फॉर दिस रोल. एंड हाँ, मुझे सबसे पहले तो मुझे इसके बारे में बताया गया, स्टोरी के बारे में बताया गया, और मुझे स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. तो मैंने उसे पहली बारी में ही हाँ कर दिया कि ओके आई गिव एन ऑडिशन फॉर दिस. एंड फिर ग्रेजुअली ऐसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ. ओके, कब आ रहा है वो बता. जी 18th ऑफ अक्टूबर को आ रहा है और इसका टाइमिंग अभी तक हमें पता नहीं है, बट टाइमिंग हमें बड़े धमाके से आपको बताएंगे. थैंक यू सो मच. नमस्ते, मेरा नाम माधवी गोप्टे है और मैं दंगल के सिंदूर की कीमत सीरियल में अन्नपूर्णा दादी का कैरेक्टर निभा रही हूँ. और कैसा लग रहा है, मतलब अभी शूटिंग शुरू हुई है, कैसा लग रहा है, प्रोमो शूट हो गया, आपने देखा? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हैं जो मुझे करने के लिए अच्छे लगते हैं. मतलब इससे पहले जो मैंने एक टाइप के रोल किए थे, तो ये एक ऐसा सीरियल है जिसमें मुझे हर तरह का किरदार मैं निभा पा रही हूँ, तो इससे मुझे और अच्छा लग रहा है और मैं अपने काम को एंजॉय कर रही हूँ. नमस्कार, मेरा नाम है सिराज मुस्तफ़ा. मैं इस सीरियल में ब्रिज का किरदार निभा रहा हूँ, जो मिष्टी के पिताजी. कैसा लग रहा है, मतलब प्रोमो तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपने कहानी सुनी तो क्या लगा? देखिए, सभी लोग बोलते हैं कि कहानी बहुत अलग हट करके है, लेकिन ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप दर्शक जो हैं जब इसे देखेंगे तो आप लोग खुद ही कहेंगे कि ये बाकी से सच में थोड़ी सी अलग हट कर कहानी. कब तक ऑन एयर हो रहा है ये? होपफुली 18 तारीख से ऑन एयर होगा. थैंक यू. आई थिंक सो, मैंने इसके पहले एक परमावता शो भी किया और मुझे पता है कि ऑडियंस को डेली शो बहुत पसंद है, बट इसलिए मैं ये बायस होकर ये नहीं बोलूँगा कि ये मैं शो कर रहा हूँ, उसी लिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ. बट जनरली जितने भी दिन हम लोग ने शूट किया है और जितना भी लाइक कास्ट है, जितनी भी कास्ट है और जो स्टोरी है, आई एम श्योर जितना मज़ा मुझे आ रहा है ऑडियंस भी उतना ही इन्जॉय करेगी. सो वेट करते हैं और देखते हैं. वो एक मायतो शो था और ये एक प्रॉपर फैमिली शो है. सो यही है. 18th को शो लॉन्च हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब टीवी पे देखिए सिंदूर की कीमत? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप आप लोग भी एक्साइटेड हो. एक प्रोमो बोल दीजिए. मैं हूँ प्रतीक और आप देखते रहिए दंगल, हमारा शो दंगल टीवी पे सिंदूर की कीमत. हाय, आई एम प्रतीक. आप लोग दंगल चैनल को प्लीज़ ऐसे ही देखते रहिए और हमारा शो सिंदूर की कीमत जल्दी आ रहा है, तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा और सपोर्ट करिएगा. थैंक यू. तो सिंदूर की कीमत जो दंगल चैनल पे आ रहा है, मैं उसमें यशोदा का किरदार निभा रही हूँ. यशोदा इज़ द डॉटर ऑफ द हाउस और उसकी बेसिक पूरी इंटेंशन ये है कि उसको इस घर के पैसे चाहिए, इसलिए वो अपने पति को दबा के यहाँ पे रखी बैठी हुई है. और उसके कैरेक्टर में वो स्टैमर करती है, हकलाती है, और एक तकिया कलाम भी है उसका, जैसा मेरे हर शो में मोस्टली होता है. और इस बार का तकिया कलाम है राम भला करे. सो बहुत एक अलग एलिमेंट, एक अलग फ्लेवर ये कैरेक्टर मुझे लगता है शो में लेकर आएगा. और जब जब यशोदा के सीन्स आएंगे और उसकी जो एलिमेंट आएगी, पीपल विल लुक फॉरवर्ड टू दैट. सो दैट इज़ माय पार्ट इन दिस, आई प्ले यशोदा. ओके, 18th शो एयर पे आ रहा है. एक प्रोमो बोल दीजिए. मैं वशिदा, आप देखते रहिए सिंदूर की कीमत ओनली ऑन दंगल टीवी. हेलो नमस्ते, हम बताएंगे. हेलो नमस्ते, मैं हूँ अशिता धवन और आप मुझे देख सकते हैं सिंदूर की कीमत में ओनली ऑन दंगल चैनल. टाइम स्लॉट हम आपको जल्द बताएंगे. Hello, myself Prerna Sharma and I am playing a negative lead in the show Sindoor Ki Keemat. मैंने आज तक पॉजिटिव लीड किया है और अब मैं फर्स्ट टाइम नेगेटिव लीड प्ले करने जा रही हूँ फोर लाइन्स प्रोडक्शन के साथ सिंदूर की कीमत में. एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड एक्साइटेड ऑल्सो बिकॉज ये काफ़ी चैलेंजिंग रोल है और इसमें काफ़ी शेड्स हैं
और ये रोल बहुत टफ है, लेकिन प्ले करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस रोल ऑन स्क्रीन। नेगेटिव कैरेक्टर आपने देखे बहुत सारे, तो ये कौन से किरदार से बहुत मिलता जुलता दूसरे शो से? टेलीविज़न इंडस्ट्री में काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही फेमस हुए हैं, उन्हें देखकर ही मैं इतना समझ पाई हूँ कि ये रोल्स टफ बहुत होते हैं बट करने में बहुत अच्छा लगता है, सो आई वांट टू प्ले दैट। नमस्ते, मैं हूँ जसविंदर गार्डनर। मैं दंगल चैनल में जो सिंदूर की कीमत शो आ रहा है उसमें कल्पना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मैं अर्जुन जो मेन लीड है उसकी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही एक सुलझी हुई, बहुत समझदार, एकदम परफेक्ट जो एक औरत होती है उस टाइप का कैरेक्टर है, जो कि घर को संभालती है, रिश्तों को संभाल के चलती है, जो घर में हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करती है। एक अच्छी माँ भी है, एक अच्छी बहू भी है, एक अच्छी पत्नी भी है, इस टाइप का कैरेक्टर है एंड बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और मैं फोर लाइन्स के साथ वापस जुड़ी हूँ इस शो में, तो मेरे लिए और भी खुशी की बात है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको सिंदूर की कीमत इसलिए देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शो है, और टैगलाइन इटसेल्फ सेज कि इसके अंदर कितना मीट और कितना ड्रामा और कितनी वेरिएशंस होंगी स्टोरी वाइज या कैरेक्टर वाइज। और मैंने कुछ लिखा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था। एक औरत का मान सम्मान होता है एक चुटकी सिंदूर, घर परिवार की शान होता है अरे बाहर जा रही है, एक रिश्ते की जान होता है एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या लगाओगे दुनिया वालों, एक औरत का अभिमान होता है एक चुटकी। जो किरदार है, जो रिश्ते हैं, कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, वैसी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ये जो शो है सिंदूर की कीमत, जैसा कि इन्होंने बताया, सिंदूर की कीमत जो नाम खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है दैट्स अ मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है किसी की लाइफ में, और उसी के ऊपर ये पूरा शो है। इसमें बहुत नीट है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख के ही पता चलेगा, सो ऑडियंस हैज़ टू वॉच टू फाइंड आउट कि क्या है, लेकिन कुछ अलग है, बहुत अच्छा है, एक पारिवारिक शो है और बहुत मज़ा आएगा सबको देखने के लिए, इसलिए ज़रूर देखना चाहिए। लॉयर क्या कहेंगे, लॉयर साहब क्या कहेंगे आपके? कहेंगे सिंदूर की कीमत एक बहुत ही ब्यूटीफुल और शानदार शो है, अगर आपको रीज़न चाहिए तो वहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यू गॉट अ ब्यूटीफुल कास्ट, लवली स्टोरी एंड यू हैव दिस लिटिल। ये एक फैमिली शो तो है ही, साथ में इसमें बहुत सारा स्पाइस भी है, तो अच्छा ही लगेगा फैमिली वालों से। मुझे लगता है एग्जीक्यूशन वाइज भी जो प्रेजेंटेशन हमारी तरफ से आएगी वो ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, इट विल ब्रिंग अनदर फ्लेवर एंड आई होप इट चेंजेस द फेस ऑफ दंगल, और बहुत सारी फ्लेवर वाला ये शो है। और अगर किसी के मन में भी ये ख्याल आए कि हम ये शो ना देखेंगे तो याद रखिएगा अर्जुन जो है वो पेशे से वकील है, नोटिस पहुंच जाएगी आपको जी, आई अश्योर यू आपको बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगी। सर आप बताओ हमें क्यों देखना चाहिए सिंदूर की कीमत? देखिए सिंदूर की कीमत आप सबको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि अगर आप सबने पहला एपिसोड देखा तो उसके बाद हम में से किसी को बोलना नहीं पड़ेगा दूसरा देखे ना देखिए। I'm sure सब अपने शो की तारीफ करते हैं और इधर भी हम लोग करेंगे, बट ये शो इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि आप लोग देखो कि इतनी प्यारी कास्ट है, बट स्टोरी बहुत अच्छी है और फोर लाइन्स प्रोडक्शन की है, जहाँ तक मुझे पता है वो लोग क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा ये शो देखने के लिए, सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो और प्यार करते रहें, इसका चेक सबसे पहले मिले। दंगल पे
दंगल पे रक्षाबंधन बहुत अच्छा चल रहा है, फिर क्राइम अलर्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है, दंगल बेस्ट है। सिंदूर की कीमत, सिंदूर की कीमत देखिएगा, मतलब सभी देखा लेकिन सिंदूर की कीमत कि सिंदूर की कीमत आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि एक लड़की के लाइफ में सिंदूर की क्या कीमत होती है, ये पूरे सीरियल में उन्होंने इतने अच्छे से पूरा बताया गया है और हमें बहुत मज़ा आ रही है सबके साथ शूट करने में। आई होप आप सबको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा, सो आपको डेफिनेटली देखना। हाँ वो समझ दादी माँ, आप क्या कहेंगे, आप बताइए। मैंने तो कह दिया कि सिंदूर की कीमत आप इसलिए देखें, इस शो में आपको सारे तरह के हर तरह के फ्लेवर देखने को मिल रहा है। इतना आग लग गया सिंदूर में, मतलब इसमें इमोशंस भी है, स्पाइस भी है, सब कुछ है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है, सब कुछ है। एक साथ बोल सकते हैं सिंदूर।